बहुत ही कम उम्र में पति गुजर गया था। उसके बाद तो निशा ही उनकी सहारा बन गई थी, जिसे लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी, और अब तो निशा ही उनकी जिंदगी में नहीं रही। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है एक माँ के लिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तनिषा की अंतिम संस्कार में उनकी माँ कितनी बुरी तरीके से टूट गई है। उनकी माँ की हालत को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि तनिषा की आत्मा को शांति मिले। कलाकार ने मेकअप रूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। इस खबर से जो सबसे ज्यादा चौंक गई थी वो थी तनिषा की माँ। तनिषा के परिवार ने ये डिसाइड किया था कि 27 दिसंबर को ही तनिषा की अंतिम संस्कार होगी। उससे पहले उनकी माँ ने उनके परिवार के लोगों से ये आर्जी किया कि वो आखिरी बार अपनी बेटी तनिषा की चेहरा देखना चाहती है। आखिरी बार तनिषा से मिलने के बाद उनकी माँ पूरी तरीके से टूट गई। यहाँ तक कि उनका मामा का कहना है कि तनिषा की माँ तनिषा को देखने के वक्त ही सेंसलेस हो गई थी। वो अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रही थी। मॉर्ग से बाहर निकलते वक्त तनिषा की मां की हालत बिगड़ती चली गई। यहां तक कि उनकी मां को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि बचपन में ही तनिषा के पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से ही सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने तनिषा की परवरिश की थी। कम उम्र में पति को खोने के बाद एक बेटी का ही सहारा था और आज वो भी खो गया। अगर तनिषा के एक्सीडेंट होती तो शायद उनकी माँ थोड़ा सा संभल जाती, लेकिन यहाँ पर 20 साल की एक्ट्रेस तनिषा ने सुसाइड कर ली, और वो भी प्यार की वजह से। फिलहाल हम प्रार्थना करते हैं कि तनिषा की माँ की हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए।